फ्रेंड्स, मेरी किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाऊंगी काले चने की चाट। तो मैंने इस चने को रात भर पानी में भिगो कर रखा था, जिसके बाद मैंने इसे 4 से 5 सीटी लगाकर कुकर में बॉईल कर लिया है। ये देखिए, ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज, और एक ही टमाटर को मैंने बारीक कट कर लिया है। अब मैं इसे ऐड कर दूंगी। और मैंने यहाँ पर एक हरी मिर्च और हरा धनिया को बारीक कट कर लिया था। अब इसे मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में ये बहुत टेस्टी और हेल्दी होती है। इस तरीके से आप एक बार चाट बनाना। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच आमचूर, इसे भी मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी इस तरीके से। हम इसे मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और लास्ट में ऐड करूंगी मैं 2 चम्मच नींबू का रस। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस हमारी ये चना चाट बनकर तैयार है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में ये बहुत ही अच्छी होती है और हेल्दी भी होती है। ये देखिए, हमारी चना चाट बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना और मुझे कमेंट कर कर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मुझे सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू।